हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋषभ चौबे शांभवी एजुकेशनल चैनल से। आपने कहावत सुनी होगी, तूफानों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमको भी जिद है वहीं आशियाना बसाने की। आपने ये सुना हुआ है कि कोरोना की वजह से क्लासेस बंद है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हमको पढ़ाई भी करनी है, तो बेटर है कि आप घर से ही पढ़ाई कर सके। तो उसके लिए हमने लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को स्टार्ट किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम जेनेटिक्स में सबसे सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल से। अब देखिए, आप इस चीज़ को समझिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे वो चोट लगने की बजाय, ज़्यादातर जो साइंटिस्ट जो सोल्जर्स थे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से मरे थे। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को थोड़ी सी भी खरोच आ गई या कुछ हो गया या बीमार हो गए और उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी, डेथ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज़ में लगे हुए थे कि कैसे इन बैक्टीरियल डिजीजेज जो हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, इनको वाइड स्प्रेड फैलने से रोका जाए। जैसे आज वायरस फैला हुआ है, उस समय बैक्टीरियल डिजीज बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो उस समय एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो वो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, 1928 में वो एक काम कर रहा था एक ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर जो निमोनिया कराता है, और उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब स्ट्रेप्टो का मतलब हम जानते हैं चेन, और कोकस का मतलब होता है स्फीयर। तो यहां पर चेन बनी हुई है स्फेरिकल बैक्टीरिया की, जैसे मोती की माला है, और वो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो बैक्टीरिया है, ये लंग्स में इंफेक्शन कराता है और कराता है निमोनिया। अब उसने क्या किया कि जब उसने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उसने ये पाया कि इस बैक्टीरिया के दो फॉर्म हैं या दो टाइप हैं, और सभी बैक्टीरिया डिजीज नहीं कराते। तो उसने क्या देखा कि यहां पर दो टाइप हैं, और टाइप एक्चुअली जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसमें टाइप की जगह ज्यादा बेटर वर्ड होता है स्ट्रेन। तो उसने ये देखा कि एक बैक्टीरिया की स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की रफ स्ट्रेन है और दूसरी तरफ उसकी स्मूथ स्ट्रेन है। अब रफ स्ट्रेन क्या है, जैसे मान लीजिए रफ का मतलब हो गया कि उसके चारों तरफ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो स्मूथ स्ट्रेन है उसके चारों तरफ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है। अब आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये फ्लोर है, अब ये जो फ्लोर है ये अभी रफ है, और रफ है इसीलिए मैं यहां पर चल सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए यदि यहां पर ऑयल डाल दिया गया तो ये जो सरफेस है वो हो जाएगी स्मूथ, और जब ये सरफेस स्मूथ हो जाएगी तो मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं फिसल जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, और जब मैं गिर जाऊंगा तो मेरा कंफर्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन ईज हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे डिजीज हो गया। हम बोल सकते हैं जनरली अपने समझने के लिए डिजीज हो जाएगा कब, जब ये सरफेस स्मूथ हो जाएगी। इसका मतलब जब सरफेस स्मूथ है तो वो डिजीज पैदा करेगा, लेकिन जब सरफेस रफ है तो वो डिजीज पैदा नहीं करेगा। अब उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने जो रफ फॉर्म था उसको उसने इंजेक्शन में भर के एक चूहे को लगा दिया। जब उसने चूहे को लगा दिया, चूहे को कुछ भी नहीं हुआ, हम जानते हैं, क्योंकि चूहा जो है वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डिजीज पैदा करता ही नहीं है। अब उसने क्या किया कि जो एस फॉर्म है, एस फॉर्म को उसने इंजेक्शन में भर के चूहे में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसने क्या देखा कि चूहा मर गया, किसकी वजह से, क्योंकि चूहे को निमोनिया हो गया। ठीक है, अब ये तो पहले से बात पता थी कि एक फॉर्म जो है वो डिजीज कराता है, एक फॉर्म जो है वो डिजीज नहीं कराता। आखिर ग्रिफिथ का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो उसने सोचा क्या करे, उसने सोचा कि अब साइंटिस्ट हैं, समझ में आ गया जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करे चीजों को वो साइंटिस्ट। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, उसने सोचा चलो चेक करते हैं कि लुईस पाश्चर ने जो पाश्चराइजेशन टेक्निक दी थी क्या वो एक्चुअल में काम करती है कि नहीं। तो उसने क्या किया कि डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया को गर्म किया, और गर्म करने के बाद उस बैक्टीरिया को उसने भर दिया एक जीवित चूहे के अंदर, अलाइव चूहे के अंदर, चूहे को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब पाश्चर जो भाई थे वो जीत गए, इसका मतलब जो ग्रिफिथ था उसको ये पता चल गया कि पाश्चराइजेशन प्रिंसिपल काम कर रहा है। लेकिन आखिर अभी भी इसका कुछ नाम हुआ क्या, ग्रिफिथ का कोई नाम नहीं हुआ, ये पहले से पता था ये पाश्चराइजेशन टेक्निक थी। उसने क्या किया, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में अंधे और लंगड़े की, तो अंधा और लंगड़ा दोनों को जाना होता था मेला। अब दोनों को मेले देखने जाना है, क्योंकि अब लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, दोनों अकेले यदि कोशिश करें तो नहीं पहुंच सकते। तो इस जगह पे उनने क्या किया कि अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया,
क्या किया, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। इसका मतलब दो ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो दोनों मिल गए, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। जब अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया तो लंगड़ा रास्ता बताता जा रहा था और अंधा चलता जा रहा था। जब चलता जा रहा था तो दोनों मेले पहुंच गए। तो उसने क्या किया, यही सोचा होगा, उसने क्या किया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो डिजीज पैदा नहीं कर सकता उसको ऐसे बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया जो खुद भी डिजीज पैदा नहीं कर सकता। और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने की वजह से चूहे मर गए। अब जैसे ही चूहे मरे चमत्कार हो गया, क्यों, क्योंकि दो यूजलेस बैक्टीरिया जो कोई भी डिजीज पैदा नहीं कर सकते उन्हें डिजीज पैदा कर दी। अब जब उसने चूहे को, जब मरे हुए चूहे को देखा, उसके ब्लड का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो उसके अंदर एस फॉर्म मिला। अब वो बड़ा परेशान कि यार मैंने तो एस फॉर्म डाला ही नहीं है, आखिर ये एस फॉर्म कहां से आ गया। तब उसने उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब सपोज करिए, जैसे मान लीजिए अनुपम सर हैं, अब मान लीजिए अनुपम सर को आपने क्या किया, आपने वो मूवी तो देखी होगी, हॉरर मूवी, उस हॉरर मूवी में जैसे क्या नाम था उसका, एनाबेल। अब वो एनाबेल है, मान लीजिए वो चुड़ैल है, वो मर चुकी है। अब उस चुड़ैल को मान लीजिए अनुपम सर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो आप मुझे बताइए जरा, जब उसको चुड़ैल को बंद कर देंगे तो चेंजेस सुबह तक किस में आएंगे, चुड़ैल में या अनुपम सर में? आप बोलोगे चुड़ैल में। एक्चुअली में चेंज किस में आएंगे, अनुपम सर में। क्यों, क्योंकि आप मुझे बताइए, क्योंकि चुड़ैल ऑलरेडी मर चुकी है और मरी हुई चीजों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब परिवर्तन, चेंज हमेशा किस में होगा, लिविंग में। बट किसकी वजह से हुआ, क्या अनुपम सर अकेले होते तो चेंज हो जाता, नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, एक डेड ऑब्जेक्ट के साथ में बंद कर दिया तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये जो आर फॉर्म है, इस आर फॉर्म में परिवर्तन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। किसकी वजह से, एस फॉर्म की वजह से, इस हीट किल्ड एस फॉर्म की वजह से आर फॉर्म जो है वो एस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उसने एक डिजीज को पैदा कर दिया। तो इसका मतलब आर फॉर्म कन्वर्ट हो गया एस फॉर्म में। अब जब वो आर फॉर्म एस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसने एक्चुअली में क्या किया होगा, उसने एक्चुअली में क्या किया होगा, देखिए यहां पर मान लीजिए हमने क्या किया कि ये जो एस फॉर्म बैक्टीरिया है, ये जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है, इस हीट किल्ड बैक्टीरिया को ग्रिफिथ ने जब इसके आर फॉर्म के साथ में डाल दिया, तो जब ये इसके अंदर गया, जब इसके अंदर कुछ मटेरियल गया, इस मटेरियल ने अंदर जाने के बाद क्या किया, इसके चारों तरफ एक पॉलीसेक्राइड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसका कोड बनाया, पॉलीसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड का एक कैप्सूल बना लिया या कोट बना लिया, और इस कोट की वजह से ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो गया, डिजीज पैदा कर गया। तो ये आपको समझ में आया कि एक नॉन पैथोजेनिक जो है वो कैसे पैथोजेनिक में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसको उसने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। आप मुझे बताइए, हमने इसको गर्म कर दिया, हमने इसको गर्म कर दिया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई क्या? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन देता है कि गर्म करने से क्या एस फॉर्म जो है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है क्या? नहीं, उसमें कोई एक ऐसा मटेरियल बचा हुआ है जिसके ऊपर हीट का फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब वो हीट के लिए सेंसिटिव है या हीट के लिए स्टेबल है, हीट के लिए स्टेबल है। आप देखिए जरा, गर्म करने के बाद भी उस मटेरियल में ये क्षमता है कि वो इसको आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर हीट का फर्क नहीं पड़ा और उस मटेरियल को हम बोल सकते हैं, अपने समझने के लिए, जेनेटिक मटेरियल। अभी किसी को कुछ नहीं पता जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आगे जाके बताएगा कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल था और वो क्या था, उसको किसने बताया। अब देखिए, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसका जो रिजल्ट था, ये पब्लिश किया था उसने जर्नल ऑफ हाइजीन में। किसमें पब्लिश किया था, जर्नल ऑफ हाइजीन में ग्रिफिथ ने इसको पब्लिश किया। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो टॉपिक है, हमेशा याद रखिएगा, जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ईयर्स और साइंटिस्ट के नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए, अब क्या हुआ कि 1933 से 1944 के बीच में तीन साइंटिस्ट है, एवरी, मैक्लियोट, मैककार्टी। इनने क्या किया कि इसी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, आप मुझे बताइए ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो अंदर जा रहा है, उनने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए यहां पर ये तीन लाइट लगी हुई है, जैसे ये एक लाइट लगी हुई है, एक लाइट ये लगी हुई है और एक लाइट ये लगी हुई है, सपोज करिए। अब आप मुझे बताइए, इनमें से ये वाली लाइट बंद है, ये दो लाइट चालू हैं। आप मुझे बताइए जरा, यदि इस बंद वाली लाइट को मैं तोड़ दूं तो
तो क्या इस कमरे की रोशनी कम होगी? नहीं होगी। दूसरी तरफ यदि चालू वाली को यदि मैं बंद कर दूं या तोड़ दूं तो रोशनी क्या हो जाएगी? कम। बिल्कुल सिंपल, इसी प्रिंसिपल पे उनने क्या किया, काम किया एवरी मैक्लियोट मैककार्टी ने, और उनने इसका बायोकेमिकल नेचर बताया। समझिएगा, उनने क्या किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, उस ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल को उनने सबसे पहले प्रोटीएज से ट्रीट किया। प्रोटीएज इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जब उनने इससे इसको ट्रीट किया, तो अब इसको ट्रीट करने के बाद वापस उनने इसको एस फॉर्म बैक्टीरिया, आर फॉर्म बैक्टीरिया के साथ में मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद चूहे के अंदर लगा दिया, चूहा मर गया। इसका मतलब प्रोटीएज डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गया? क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि प्रोटीएज ने इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं था। टूटे हुए यदि ट्यूबलाइट को हम निकाल दें तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। दूसरी तरफ क्या किया, आरएनएस को डाला। जब आरएनएस को डाला ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में और फिर से उसको मिक्स किया आर के साथ में और चूहे में डाला, चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आरएनए भी वो मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे बताइए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब उसने क्या किया, डीएनएस को डाला। जब उसने डीएनएस को डाला तो यहां पर चूहे नहीं मरे। इसका मतलब यही वो मटेरियल है। देखिए अब ये तीनों है क्या, इसके अंदर प्रोटीन जो होगा उसको प्रोटीएज डाइजेस्ट कर देगा, इसके अंदर यदि आरएनए होगा उसको आरएनएज डाइजेस्ट कर देगा, इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए होगा उसको डीएनएज डाइजेस्ट कर देगा। ये आपको समझ में आया? मतलब फर्स्ट केस में हमने प्रोटीन को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। दूसरे केस में हमने आरएनए को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब आरएनए का कोई रोल नहीं है। तीसरे केस में हमने क्या किया कि ये जो इसमें डीएनए को हमने डाला और ये आप मुझे बताइए जरा पूरा का पूरा ये जो प्रिंसिपल था ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही वो मटेरियल है जिस मटेरियल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आज का हमारा ये शॉर्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए जिससे हमारे थाउजेंड्स वो हो जाएं और हम इसको ऑनलाइन आपको दिखा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक।